हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स वीएस एजुकेशन हब में। इन दिस वीडियो रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आप सबकी फरमाइश, आप सबके मैसेजेस के बेस पर मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, 5-5 क्वेश्चन के पार्ट टू, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे करते करते 30 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आपको मैं प्रैक्टिस करवा लूँगा। जितने आपके प्रैक्टिस हो गए उतने ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के। स्टूडेंट की फरमाइश पर ही ये वीडियो अपलोड किए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ भी, और भी अदर्स पर्सन के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी वीडियो देख सकें, अच्छे से अच्छी क्वेश्चन जान सके, किस टाइप से सॉल्यूशन हो वो भी जान सके। ओके, लेट्स बिगन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, मॉर्निंग्स में अर्थ मॉर्निंग्स में इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स बेस पर द हिंदू एडिटोरियल्स आर्टिकल डिस्कशंस होता है। अगर आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं, इंग्लिश वीक है, तो प्लीज़ जाइए वीडियो देखिए, वोकैब के बेस पर सेंटेंस बनाइए, वोकैब के बेस पर वोकैब रिमेंबर कीजिए, लर्न कीजिए, सेंटेंस बनाकर लर्न कीजिए, कमेंट में सेंटेंस लिखिए उसके बेस पर ही। ओके, एंड अर्थमेटिक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं है, अर्थमेटिक वीक है, तो प्लीज़ अर्थमेटिक के वीडियो भी अपलोडेड है, लगभग 30 से अप्रोक्स क्वेश्चन अपलोडेड मेरे चैनल्स पर वी एस एजुकेशन में अपलोडेड है, तो प्लीज जाइए देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं मेरे क्वेश्चंस मेरे वीडियो में, मेरे चैनल्स पर, मेरे वीडियो में। अर्थमेटिक में कोई भी क्वेश्चंस हलवा टाइप नहीं मिलेगा। अगर आपके थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, तो बेसिक पे बेस पर किस टाइप से क्वेश्चंस सॉल्यूशंस होता है उसी पर क्वेश्चंस हैं। ओके, हार्ड मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन याद रखिएगा, मिसिंग नंबर सीरीज और एज कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं या टफ कह सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही टफ टाइम कंज्यूमिंग रॉन्ग नंबर सीरीज होती है एग्जाम्स में। अगर आपको 10 to 15 सेकंड में आपको स्लॉप मेथड पता चल गया, स्लॉप मेथड इज द बेस्ट मेथड, स्लॉप मेथड 10 to 15 सेकंड्स में आपको पता चल गया तो ठीक है, अदरवाइज यू आर स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप से सॉल्यूशन, आप पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करिए ना, चाहिए स्किप कीजिए, स्किप करना नहीं है एग्जाम्स में। जितने आपको क्वेश्चन आपको पता चल जाए स्लॉप तो करिए, अन्यथा स्किप करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 89, 105, 141, 205, 30, 300, 13 and 449, यानी कि स्लोप मेथड आपको पता चल गया, प्लस माइनस का स्लोप मेथड है। ओके, देखिए प्लस माइनस अपन करते हैं, प्लस इसमें यानी कि 16, वन इसमें दीजिए 15 और प्लस वन 16, इसमें 41 में से 5 लेस कीजिए यानी कि 36, और 36 इसमें ऐड कीजिए 64, राइट 64, एंड देन थर्ड नंबर पता चल गया, तो इसका मतलब इसके तीन डिजिट पता चलते, तीन टर्म्स पता चलते, आपको आंसर तुरंत अगले नेक्स्ट टर्म निकाल देना है। ओके, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, एंड देन अगर नेक्स्ट टर्म्स 10 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म्स 12 का स्क्वायर। ओके, राइट, 10 का स्क्वायर आपको मालूम है 100 होना चाहिए, 100 इसमें आ रहा है, 205 प्लस 100 305, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसका मतलब 313 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। अब देख लीजिए यहाँ 305 आना चाहिए, 305 में 144 ऐड कीजिए, 44 में पहले 5 ऐड कीजिए, 49, 149, 300 यानी कि 449 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 313 इज द करेक्ट, रॉन्ग नंबर है, यहाँ होना चाहिए 305। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन से क्वेश्चन आया, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्यूशंस करिए, आंसर निकालिए, सॉल्यूशंस देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, स्लोप मेथड देखिए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 96, 96 से 480, 480 से 2880 इस तरह, ठीक है। ओके, तो देखिए स्लोप मेथड, इसका मल्टीपल मेथड आपको पता चल गया हो गया, देखिए 4 से 8 यानी कि टू टाइम्स एंड सेकेंड 6 टाइम्स 96 एंड 5 टाइम्स हाफ कीजिए एंड 6 टाइम्स, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ कुछ नंबर में रॉन्ग चल रहा है,
यहाँ कुछ नंबर में, यानी कि 5 6, यहाँ तो पता चल रहा है 5 6, ऐसा तो नहीं है 1 2 3 4 5, नो 5 यहाँ आ रहा, 5 तो है ही, 5 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ 2 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो सही है, तो यहाँ 3 होना चाहिए, इंटू थ्री 8 3 जा 24, 24 यस, यानी कि 16 गलत है, बिल्कुल सही है, 16 गलत है, 16 गलत है, तो यहाँ 4 आएगा वैसे भी, यहाँ तो 4 है ही, 6 नहीं है, 2 नहीं है, ओके। तो 6 24 24 इंटू 4 96, बिल्कुल सही है, इसका मतलब 16 सही इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। सबके क्वेश्चंस के डी आंसर आ रहे हैं, देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 13 17 25 36 37, लास्ट नंबर, यानी कि यहीं पर कभी लग रहा है, देखिए यानी कि ये प्लस माइनस का मेथड चल रहा है, 11 से 13, यानी कि प्लस टू प्लस फोर राइट, प्लस एट राइट, 17 प्लस 8 बराबर 25, 25 प्लस 4 5 और 6 5 और 6 11 राइट, 11 और यहाँ 1, ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1, 2 4 8 11 1 निकाल सकते हैं इसमें सीरीज क्या निकल आ रहा है, पता चल रहा है कुछ। अगर आपके क्वेश्चंस 1000 से 1500 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस निकाले हुए हैं तो ही आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, अन्यथा आप टाइम कंज्यूमिंग करेंगे, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो प्लीज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, तो प्लीज स्किप कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको मेथड भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ क्या मेथड चल रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2, ये 2 कैसे आया, 4 कैसे आया, 8 कैसे आया, 11 कैसे आया, 1 कैसे आया, तो इसका मतलब यहाँ कुछ रॉन्ग चल रहा है, देखिए 2 आपको पता चल रहा है 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, बिल्कुल सही चल रहा है, 3 प्लस 1 इजिकल टू 4, बिल्कुल सही चल रहा है, 7 प्लस 1 इजिकल टू 8, बिल्कुल सही चल रहा है, देन आफ्टर दैट 5 प्लस 2 7 आना चाहिए, सॉरी 5 प्लस 2 7 आना चाहिए, यहाँ तो यहाँ 11 दे रखा है तो 11 इसका रॉन्ग, यानी कि 7 इसका आना चाहिए, तो 25 प्लस 7 इजिकल टू 32 राइट, 32 32 प्लस 5, बिल्कुल सही है, 3 और 2 3 प्लस 2 इजिकल टू 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 37, यानी कि 25 इज द 25 नहीं 36 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट रॉन्ग है, यहाँ 32 आना चाहिए, ओके 32 36, ये रहा 36 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके SBI PO मेंस में, PO में और LIC AAO के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, PO लेवल के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस हैं 8 से 6 8 से 7, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस हैं 8 से 7 7 से 7 से 12 12 से 33 33 से 33 से 121 121 से 635, ओके 635 भी बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, तो इसका मतलब मल्टीपल बेस का मेथड है, देखिए मल्टीपल बेस का मेथड है 8 से 7, यानी कि 8 से 7 इंटू 1 माइनस 1 कर सकते हैं अपन राइट, यही मेथड रहा, इंटू वन माइनस इंटू टू माइनस टू को 2 माइनस 2 भी कर सकते हैं, यहां तक तो मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टर्म्स मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो पता चलेगा इंटू 3 माइनस 3 3 माइनस 3, यानी कि 12 3 36 माइनस 3 33, बिल्कुल करेक्ट है, अब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, 3 टर्म्स मिल गए, इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5, बिल्कुल ओके। अब देखिए 4 माइनस 4 यानी कि 33 3 जा 19 99 99 3 जा 132 132 माइनस
132 माइनस गलत है, 132 माइनस 4 यानी कि 128 आना चाहिए यहाँ, 128 बिल्कुल सही है। ओके 128 आना चाहिए, 121 इसका करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे चेक भी कर लीजिए, देखिए चेक करवाता हूँ आपको, 500 128 में 5 की मल्टीपल कीजिए, 1200 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1280, 1280 का हाफ कीजिए, 1280 का 640 माइनस 5 यानी कि 635, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 121 की जगह 128 इज द करेक्ट आंसर। ओके 120 यहाँ पर रॉन्ग है। ओके आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। याद रखिए लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, लाइक से ही मैं अच्छे से अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन जो कि SBI PO मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, अगर आप चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाए। ओके फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस, देखिए फिफ्थ एंड लास्ट नंबर लास्ट क्वेश्चंस है, 7 से 9, 9 से 19, 19 से 82, 18, 18 से 31, क्या सीरीज चल रही है, क्या सीरीज चल रही है, 9 से 19 से 18 कुछ समझ नहीं आ रहा, 18 से 31, 31 से 27, 27 से 53 कुछ समझ में नहीं आया, देखते क्या सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये प्लस माइनस का सॉल्यूशन तो 100% है, मल्टीपल बेस तो है ही नहीं। देखिए 7 से 9 ज़्यादा डिजिट है यानी कि 3 और 3, 6 और 7 डिजिट है, तो इसका मतलब देखिए वो कॉमन वाली सीरीज यानी कि 9 2 18 बिल्कुल मिल रहा है, इंटू 3 बिल्कुल सही है, इंटू 2 बिल्कुल ऊपर लिखता हूँ मैं, 9 2 9 2 9 3 प्लस 9 9 कह सकते हैं या 2 जा कह सकते हैं, प्लस 9 9 प्लस 9 9 के जी है, एक वन टाइम है, प्लस 9 प्लस है सॉरी, ठीक है ना, प्लस प्लस इसमें भी 9 किया, इसमें भी 9 किया, मिल रहा है। तो इसमें अब इसमें देखिए प्लस 12, तो यहाँ पे भी प्लस 12 आ रहा है, 19 प्लस 12 यानी कि 31, तो नेक्स्ट टर्म भी 12 होना चाहिए यहाँ पर भी। ओके तो यहाँ पर भी 12, तो इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब 53 इज द रॉन्ग आंसर, 53 ये रहा ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 53 नहीं आके कितना आ गया, 43 आएगा यहाँ पर बिल्कुल, 43 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस, आप इस टाइप से भी, इस टाइप से भी अदरवाइज आपको जो मेथड अच्छा लगे उसमें भी इस पर आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 माइनस 2, 7 प्लस 2 कर सकते हैं, 2 प्लस 10 कर सकते हैं, प्लस 10 प्लस माइनस 1 इसके बेस पर आप करेंगे तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आएगी, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होगा। इस टाइप से करेंगे तो विद इन सेकंड्स में, विद इन 10 सेकंड्स में आपको सॉल्यूशंस निकल जाएगा। ओके आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। याद रखिए लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, अच्छे से अच्छे वीडियो अर्थमेटिक में अगर आपके प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाइए देखिए मेरे वीडियो को, अर्थमेटिक में क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं, 30 क्वेश्चन से अप्रोक्स में अपलोड कर चुका हूँ, एंड मॉर्निंग्स में इंग्लिश वोकेबलरी का वीडियो आते हैं, अच्छे 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 वोकैब्स हैं, तो प्लीज़ जाइए, इंग्लिश वीक हैं तो प्लीज़ इंग्लिश के वोकैब्स के वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को। ओके लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ एंड अदर पर्सन सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग्स, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल्स। ओके दोस्तों बाय बाय, टेक केयर टिल देन, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।